नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। और परसों जब गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हुआ, तब मुझे मेरे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया कि आखिर ये टाइटन होता क्या है और क्यों गॉडज़िला और बाकी ये मॉन्स्टर्स को टाइटन कहा जाता है। अब इसका जवाब मैं उसे वही दे देता, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मॉन्स्टर वर्स में ये सिर्फ टाइटन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसे बाकी के जगहों पर भी यूज किया गया है। फिर चाहे हम एनिमे देख ले या कोई हॉलीवुड मूवी, ये वर्ड हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि ये वर्ड इतना पॉपुलर है कि इसके नाम से हमारे इंडिया में कबड्डी की एक टीम भी है। अब इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला, ये तो तुम गूगल करके भी कर सकते हो, ऐसा इमीडिएटली वीडियो के बाद। यहाँ इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो टाइटन वर्ड है वो मूवीज में कहाँ और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर टाइटन जो वर्ड है वो अभी तक कौन सी मूवीज में यूज किया गया है। तो 2010 की क्लैश ऑफ टाइटन्स, 2012 की व्रॉथ ऑफ टाइटन्स, 2013 की अटैक ऑन टाइटन, 2018 की दी टाइटन, 2019 की एवेंजर्स में या गॉडज़िला और कॉन्ग दिस स्कल आइलैंड में। अब ये इससे भी ज्यादा मूवीज में हो सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। लेकिन इन सभी मूवीज में टाइटन वर्ड यूज किया गया है। फिर चाहे वो मूवीज के कैरेक्टर्स या मूवी का मेन टाइटल क्यों ना हो, इन सभी जगह इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एज ए टाइटन रिफर किए गए हैं। तो क्लैश ऑफ टाइटन या व्रॉथ ऑफ टाइटन की ओर देखें तो उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को एज ए टाइटन रिफर किया है, प्लस अटैक ऑन टाइटन में भी उन्होंने उन जायंट ह्यूमन मॉन्स्टर्स को भी एज ए टाइटन कहा है, और एवेंजर्स में भी थैनोस को टाइटन कहते हैं। ऊपर से मॉन्स्टरवर्स में भी इन क्रिएचर्स को टाइटन कहा जाता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इन्हें आखिर टाइटन क्यों कहा जाता है और टाइटन का आखिर क्या मतलब है। तो टाइटन का बेसिक डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन और थिंग ऑफ वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट और इम्पोर्टेंस। तो ये कोई भी हो सकता है जिसके पास फिजिकली एनहांस स्ट्रेंथ या इंटेलेक्ट हो। लेकिन अगर ऐसा है तो ये और एक क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या टाइटन्स गॉड के बराबर है या वो दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि हमने इसे मॉन्स्टर वर्स में इन मॉन्स्टर्स को एज अ गॉड की तरह देखा है, ऊपर से इन्हें टाइटन्स भी कहा गया है। तो ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। तो बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार टाइटन वो जायंट बींग्स होते हैं जो सुपरनेचुरल पावर्स के साथ जन्म लेते हैं और जो इस वर्ल्ड के क्रिएशन को सिंबलाइज करते हैं। अब इनमें बहुत सी चीजें सच भी हो सकती है, लेकिन सब कुछ जो ग्रीक माइथोलॉजी में दिखाया गया है उस हिसाब से टाइटन्स और गॉड्स दोनों ही सिमिलर क्लासिफाई होते हैं, अगर नहीं तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम टाइप के एंटिटीज हैं। और इसे क्लियरली समझने के लिए हमें ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस लेना होगा। अब एक इसका अच्छा एग्जांपल मुझे कोरा पर मिला। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन देम इज लार्जली अ मैटर ऑफ जनरेशन। द टाइटन्स वर द जनरेशन ऑफ डेटीज दैट केम बिफोर द ओलंपियन गॉड्स। अब अगर आपने वंडर वुमन की मूवी देखी है या कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें ओलंपियन गॉड्स का रेफरेंस है, तो आपको ऑलमाइटी ज्यूस के बारे में तो पता ही होगा, जो बेसिकली ऑल फादर है या कहो सभी गॉड्स के गॉड है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक ज्यूस थर्ड जनरेशन के गॉड है और टाइटन्स जो है वो सेकंड जनरेशन के गॉड है, जिनमें क्रोनस और रिया आते हैं जो बेसिकली ऑलमाइटी ज्यूस के पेरेंट्स है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि टाइटन्स की वजह से ओलंपियन गॉड्स का जन्म हुआ है और वो गॉड्स के भी गॉड्स है। अब अगर आप मॉन्स्टरवर्स की कहानी से फेमिलर हैं, तो हमने ये नोटिस किया कि इस यूनिवर्स में सडनली इन जायंट्स को टाइटन्स कहा गया। अब 2014 की गॉडज़िला में गॉडज़िला बस एक जायंट एनिमल था, लेकिन उसके ओपोनेंट्स को म्यूटस कहा गया। अब म्यूटस का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के लिए बता देता हूँ। म्यूटस मतलब मैसिवली अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है। इन शॉर्ट, सभी मॉन्स्टर्स जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या एक टाइम पे करते थे, उन सभी को म्यूटस कहा जाता है, इंक्लूडिंग गॉडज़िला। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड टाइम में आते हैं तो कॉन्ग द स्कल आइलैंड जो 2017 में रिलीज हुई थी, उसमें हमने कॉन्ग को देखा जिसे वहाँ के लोग भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोगों की स्क्रल कॉलर्स और बाकी के मॉन्स्टर्स से रक्षा करता है। अब वहाँ उस आइलैंड पर कुछ लोग ऐसे भी है जो साइन लैंग्वेज की मदद से बात कर पाते हैं। अब बाकी के मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स जो इस आइलैंड पे मौजूद थे, उन्हें अपने बड़े साइज के बावजूद भी मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स कहा जाता है, उन्हें कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अब ये तो अलग बात है, उन्हें रिस्पेक्ट देना ना देना उनकी मर्जी, लेकिन हमें ये जानना है कि क्यों इस किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और बाकी के मॉन्स्टर्स को सडनली टाइटन्स कहा गया। और इसका जवाब जानना है तो हमें मॉन्स्टरवर्स की थोड़ी हिस्ट्री जाननी होगी। अब पहले कॉमनली जितने भी जायंट मॉन्स्टर्स थे जैसे कि गॉडज़िला, कॉन्ग, उन्हें काइजूस कहा जाता था, क्योंकि टोहो जो कि इसकी मेन कंपनी है वो एक जापानीज कंपनी है और जापान में काइजूस का मतलब स्ट्रेंज क्रिएचर्स होता है।
अब अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है जायंट मॉन्स्टर्स, और ये नाम सीरियसली इतना बुरा भी नहीं लगता। फिर क्यों इसका नाम काइजू हटाकर टाइटंस रखा गया? अब ये जो सवाल है वो बस मुझे ही नहीं है, ये बहुत से फैंस ने इस मूवी के क्रिएटर माइकल डॉर्टी को भी पूछा, और इसके जवाब में उन्होंने ये कहा, पीपल हैव आस्क्ड व्हाई वी रेफर द क्रिएचर्स एज टाइटंस इंस्टेड ऑफ म्यूटोस और काइजूस। वन, म्यूटो स्टैंड्स फॉर मैसिवली अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, सो वंस अ क्रिएचर इज आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इट्स टेक्निकली नो लॉन्गर अ म्यूटो, सो मोनार्क हैड टू कम अप विद अ न्यू टर्म टाइटन। और इसके अलावा उन्होंने ये भी रीजन दिया कि बिसाइड साउंडिंग कूल द डेफिनेशन ऑफ टाइटन मैचेस द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएचर एज द फर्स्ट गॉड्स एंड टाइज बैक टू देयर एंशिएंट मिस्टिक रूट्स। अब डायरेक्टर माइकल डॉर्टी के इस स्टेटमेंट से ये तो साफ समझ आता है कि ये जो क्रिएचर्स है वो इस प्लेनेट के फर्स्ट गॉड होने की वजह से इन्हें टाइटन्स कहा गया। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में ये जो मॉन्स्टर्स है वो अर्थ के ओरिजिनल रूलर्स थे, वो भी डायनासोर्स और इंसानों से भी पहले, जिसकी वजह से जैसे ओलंपियन गॉड्स के गॉड्स को टाइटन कहा जाता है, उसी तरह से मैसिव मॉन्स्टर्स जो कि इस अर्थ के ओरिजिनल रूलर्स थे उन्हें भी टाइटन कहा गया। अब इसका एक और रीजन भी है जिसकी वजह से इन्हें काइजूस के बदले टाइटंस कहा जाता है, और वो ये है कि स्पेसिफिक रिम की जो यूनिवर्स है और मॉन्स्टरवर्स की जो यूनिवर्स है उनमें ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि वहां भी मॉन्स्टर्स को काइजूस कहा जाता है। अब अगर हम एटोगन टाइटन वाले टाइटंस की बात करें जो हमें पूरे सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम ये फ्लैश मॉन्स्टर्स रख सकते थे क्योंकि वो काम ही वैसा करते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने टाइटन वर्ड का यूज किया जो ग्रीक टाइटन से बिल्कुल ही अलग है। अब भले ही इनका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के टाइटन से मिलता जुलता ना हो, लेकिन ये जो टाइटन्स है वो नॉर्स माइथोलॉजी के जॉटनर से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इसे बनाया है, जहाँ जोटनर या जोटून एक नॉर्स माइथोलॉजी का जायंट है जो मेंबर है नेचर स्पिरिट रेस का। अब नेचर स्पिरिट रेस बेसिकली ह्यूमंस की एक रेस होती है जो गैलिनोर के नेचर का पार्ट बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह इस यूनिवर्स में ह्यूमंस टाइटन सीरम से इंजेक्ट होने के बाद टाइटन्स में बन जाते हैं। अब गैलिनोर एक जगह है जो एल्डर गॉड्स की फाइनल क्रिएशन मानी जाती है। बेसिकली दोनों ही टाइटन्स और नॉर्स माइथोलॉजी के जोटनर एक ही एंशियंट बींग जिसका नाम यमीर है उससे ओरिजिनेट होते हैं, और इसीलिए क्रिएटर्स ने इसका नाम फ्लैश मॉन्स्टर्स की जगह टाइटंस रख दिया। वही अगर हम मार्वल कॉमिक्स या एमसीयू के थेनोस की बात करें तो ये मैड टाइटन इसलिए कहलाता है क्योंकि जिस प्लेनेट पे ये पैदा हुआ है उस प्लेनेट का नाम ही टाइटन है, और ये जो प्लेनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में जो सैटर्न है उसका मून है, और उसका नाम भी ग्रीक माइथोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस प्लेनेट की जो स्पीशीज है जो कि थेनोस की स्पीशीज है उनके पास बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और सुपर इंटेलेक्ट होने की वजह से इन्हें टाइटन्स कहा जाता हो। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लाइफ इज गुड बट इट कैन बी बेटर। एक नंबर तो सुन।